कबड्डी में काहे के काका जी, ये कहावत राजनीति में सटीक बैठती है। जब नौसिखिए नेताओं से राजनीति के वट वृक्ष हार जाते हैं, मौजूदा विधानसभा चुनावों में भी यही देखने को मिला। और पहली बार सियासत में कदम रखने वाले नेताओं ने अनुभवी और कद्दावर नेताओं को धूल चटा दी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में पहला कदम रखने वाले कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सियासत का इतिहास लिखा है। ऐसा इसलिए कि इन्होंने ऐसे दिग्गजों को चुनाव में हराया है जो अपने क्षेत्रों और अपनी पार्टियों में रसूखात रखते थे, जिनका चुनाव हारना वाकई हैरान करने वाला है। जिन्हें पहले चुनावी जीत नहीं मिली, या यूं कहें जिन्हें सियासत में चर्चित फेस नहीं कहा जा सकता, ऐसे कई दिग्गज राजनेता हैं जिनको नए चेहरों ने मात दी। इनमें संदीप यादव तिजारा सीट से बीएसपी विधायक है। संदीप यादव ने पूर्व मंत्री दुरु मियां को हराकर सनसनी फैला दी। संदीप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, लिहाजा संदीप ने हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और दुरु मियां जैसे दिग्गज को धूल चटा दी। गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने कांता भील जैसे दिग्गज को चुनाव में हरा दिया। कांता भील पहले भी गढ़ी के विधायक रह चुकी है। बीजेपी ने जीतमल खांड जैसे कद्दावर नेता का टिकट काटकर कैलाश को मैदान में उतारा था। कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया ने भीमा भाई और फतेह सिंह जैसे दिग्गजों को चुनाव में मात दी है। रमीला को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। कांग्रेस ने सीट गठबंधन के तहत शरद यादव की पार्टी को थमा दी। रमीला ने फतेह सिंह के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ा। भरतपुर के आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दिग्गज नेता विजय बंसल को चुनाव हरा दिया। बीजेपी के विजय बंसल चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। कांग्रेस में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लिए गर्ग जाने जाते रहे हैं। नोखा से बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को हरा कर सबको चौंका दिया। बिहारी पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उतरे थे, इस बार बीजेपी ने मौका दिया तो नेता प्रतिपक्ष को चित कर दिया। बड़ी सादड़ी से बीजेपी विधायक ललित ओस्तवाल ने कांग्रेस के दिग्गज प्रकाश चौधरी को हराया। यहाँ बीजेपी ने गौतम कुमार तक का टिकट काटकर ओस्तवाल को थमाया था। 84 से भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजकुमार रोत ने बीजेपी के कद्दावर आदिवासी चेहरे सुशील कटारा को चुनाव हरा दिया। राज्य सरकार में सुशील कटारा मंत्री रह चुके हैं। नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने बीजेपी के दिग्गज अभिषेक मटोरिया को चुनाव में मात दी। चाचान की पारिवारिक पृष्ठभूमि सियासत से जुड़ी है, लेकिन विधानसभा में चाचान परिवार ने पहली बार कदम रखा। किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने बीजेपी विधायक मोहनलाल गुप्ता को हरा दिया, जबकि जिसका कोई न पूछे हाल उसके संग मोहनलाल का नारा सड़कों पर गूंजता था। हालांकि अमीन पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन गुप्ता को हराना आसान नहीं था। बीजेपी इस सीट को प्लस मानकर चल रही थी। आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बीजेपी के अशोक परनामी को हराकर सनसनी फैला दी, जबकि परनामी ने माहिर आजाद जैसे दिग्गज को दो बार हराया। विराटनगर से कांग्रेस विधायक इंद्राज गुज्जर ने दिग्गज भाजपा नेता फूलचंद पीड़ा को मात दे दी। आखिरी समय में कांग्रेस ने इंद्राज को टिकट दिया था, हालांकि इंद्राज का मुकाबला बीजेपी के बागी कुलदीप धनखड़ से हुआ। मनोहर थाना से बीजेपी विधायक गोविंद प्रसाद रानीपुरिया ने कांग्रेस के कद्दावर चेहरे को मात देकर सनसनी फैला दी। बीजेपी ने नए चेहरे गोविंद रानीपुरिया को चुनावी समर में उतारा तो कांग्रेस ने कद्दावर और अनुभवी चेहरे कैलाश चंद्र मीणा पर दाव खेला था, लेकिन कांग्रेस का दाव नहीं चला। राजस्थान की सियासत में दिग्गजों की हार और नए चेहरों की जीत का इतिहास रहा है। एक जमाने में कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत को जयपुर के गांधीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के नौजवान जनार्दन सिंह गहलोत ने चुनाव हराकर इतिहास रच दिया था। दौसा लोकसभा सीट पर नाथू सिंह गुर्जर ने पंडित नवल किशोर शर्मा को चुनाव हराकर सनसनी फैला दी थी, तो मेवाड़ के दिग्गज डॉक्टर सीपी जोशी को एक वोट से नाथद्वारा में चुनाव हराकर कल्याण सिंह ने पहला चुनाव जीता और अचानक से सुर्खियों में आ गए। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही दिग्गज नेता हैं जिनको नए चेहरों ने मात दी है, और भी कई दिग्गज हैं जिनको नौसिखिए नेताओं ने चुनाव के मैदान में धूल चटा दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी, लेकिन सियासी छत्रपों को नए चेहरों ने मात देकर सनसनी फैला दी।
इसमें भोपालगढ़ से आरएलपी विधायक पुखराज ने तो एक नहीं दो ताकतवर नेताओं को चुनाव हरा दिया। राज्य सरकार में मंत्री कमसा मेघवाल को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस के दलित फेस भंवर बलाई को शिकस्त दे दी। लोहावट से कांग्रेस विधायक किशन राम बिश्नोई ने बीजेपी के गजेंद्र सिंह को हराकर सबको चौंका दिया। खींवसर राज्य सरकार में काबीना मंत्री थे। लूणी से कांग्रेस विधायक महेंद्र बिश्नोई ने बीजेपी के कद्दावर जोगाराम पटेल को हरा दिया। महेंद्र बिश्नोई की पृष्ठभूमि सियासी है और स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई की उंगली पकड़कर सियासत सीखी। शेरगढ़ से कांग्रेस एमएलए मीना कंवर का नाम भी इसमें शामिल है। कुछ सालों से शेरगढ़ के सियासी पर्याय बाबू सिंह राठौड़ को मीना कंवर ने मात दे दी, जबकि खेत सिंह राठौड़ को पराजित कर बाबू सिंह कांग्रेस से उसकी जमीन छीनी थी। तेगाना से कांग्रेस विधायक विजयपाल मिर्धा ने सहकारिता मंत्री अजय कीलक को चुनाव हराया। विजयपाल मिर्धा रिचपाल मिर्धा के पुत्र हैं। लाडनू से कांग्रेस के मुकेश भाकड़ ने दिग्गज बीजेपी नेता मनोहर सिंह को चुनाव हरा दिया। भाकड़ ने न केवल मनोहर सिंह बल्कि जगन्नाथ बुर्डक को भी हराया है। जैतारण से बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत ने तो कमाल ही कर दिया। अविनाश की जीत खास इसलिए भी है क्योंकि सुरेंद्र गोयल का टिकट उन्हें दिया गया था। संघनिष्ठ अविनाश को अपनों की कलह का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने कांग्रेस के अनुभवी दिलीप चौधरी को परास्त कर दिया। बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना की जीत पूर्वी राजस्थान में हलचल पैदा करने वाली रही। पहले विधायक रह चुके नवल किशोर मीना को चुनावी शिकस्त दी तो बीजेपी का कद्दावर कुंजीलाल मीना का परिवार भी ठहर नहीं पाया। दातारामगढ़ से कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने कड़े मुकाबले में दो दिग्गजों को एक साथ शिकस्त दी। बीजेपी के हरीश कुमावत और कॉमरेड अमरा राम को हरा दिया। नीम का थाना से कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने भी बीजेपी के दिग्गज को हरा दिया। नीम का थाना को मोदी परिवार के कारण भी जाना जाता है। मोहन मोदी विष्णु मोदी सरीखे नेताओं ने नाम रोशन किए। बीजेपी के प्रेम सिंह बाजौर और रमेश खंडेलवाल को पराजित कर दिया। गोगुंदा से बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील ने भी इतिहास रच दिया। तमाम सर्वे मांगीलाल गरासिया की जीत बता रहे थे लेकिन वो हार गए। पिछली गहलोत सरकार में गरासिया खेल मंत्री थे। बीते विधानसभा चुनावों में दिया कुमारी ने दिग्गज राजनेता और मीना छत्रप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना को और जसकौर मीना को चुनाव हरा दिया था। कृष्णाराम नाई ने श्रीडूंगरगढ़ में कुंभाराम आर्य को परास्त कर राजनीति में भूचाल ला दिया। जीवन में एक चुनाव परसराम मदेणा भी हारे जब उन्हें नए चेहरे नारायण राम बेड़ा ने चुनाव हरा दिया था। इतिहास में कई उदाहरण मिल सकते हैं। राजनीति उतार चढ़ाव के लिए ही जानी जाती है। सबसे ऐतिहासिक प्रबल प्रमाण है राज नारायण की जीत और इंदिरा गांधी की हार। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।